स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और स्वास्थ्य के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ही लापरवाह था, जिसकी वजह से मेरे शरीर में दिन प्रतिदिन मोटापा बढ़ते जा रहा था। चलिए आज अब हम अपने स्टोरी से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से 2 साल पहले की बात है कि मेरा खाने पीने का शेड्यूल ऐसा बिगड़ा कि मैं कुछ भी चीज़ किसी भी समय खाते ही जा रहा था, कभी समोसा, कभी बड़ा, कभी और कुछ मार्केट की जो अनहेल्दी जो चीज़ें रहती हैं, इस सब चीज़ से मैं अनजान था कि ये सब चीज़ खाने से हमारे शरीर में भी कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मैं मोटापा की ओर चला गया। और मोटापा जैसे जैसे मेरे शरीर में बढ़ रहा था, उसी के दौरान मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम आना चालू हो गया, पेट की दर्द। जैसे जैसे मेरा पेट दर्द हो तो मैं कंटिन्यू लगभग 1 साल तक कंटिन्यू एसीला की टेबलेट जो होती है, जो पेट दर्द में काम आती है, उसी टेबलेट को मैंने खाना स्टार्ट किया। खाता था तो मेरा कुछ समय के लिए पेट की दर्द कम हो जाती थी, लेकिन वही क्योंकि खाने पीने का कोई शेड्यूल ठीक नहीं था, कब खाना है क्या खाना है ये सब चीज़ का नॉलेज था नहीं मेरे को, जिसकी वजह से मेरा वजन मेरे आइडल्स वजन से 12 केजी ओवर हो गया। और मेडिसिन का भी प्रभाव पड़ता है शरीर में, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं जो शरीर की ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ हम शरीर को दे रहे हैं ना, तो हमको शरीर को नुकसान देना चालू कर देता है। तो मेडिसिन का भी असर था और मेरे आदर्श वजन लगभग 68 केजी से मेरा वेट 79 केजी हो गया। ऐसे करते करते मेरा सकल सूरत में थोड़ा सा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, मैं अपने फिटनेस शरीर से एकदम से अनहेल्दी शरीर में चला गया, तो मेरी सुंदरता भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब अक्सर देखे होंगे आसपास में, आज से मान लो अब कोई अनहेल्दी है, कोई मोटा शरीर है, उनकी 5 साल पहले की जो भी पिक्चर है अब उनको देखने के लिए बोलिएगा, अब फेसबुक में डालते ही रहते हैं, इंस्टाग्राम में डालते रहते हैं, बहुत सारा पुराना फोटो हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो वो सब चीज़ फोटो को अब 5 साल पहले उस चीज़ बैकग्राउंड में जाइए और देखिए कि 5 साल अब पहले कैसे दिखते थे और अभी करेंट में कैसे दिखते हैं। उसी बीच मेरे को एक वेलनेस कोच के माध्यम ने जो ये बटन जो लिखा है ना, वजन घटाए वजन बढ़ाए के बारे में मेरे को पता चला, और मैंने पूछा सर वाकई क्या वजन घटता है, तो वो बोले हाँ जरूर घटता है। तो मेरा लगभग वो BMI मशीन था उनके पास, उससे मेरा बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग मेरा बॉडी का एनालिसिस किए, मतलब चेकअप किए, और जिसमें मेरे को 6 प्रकार की बॉडी के बारे में बताया कि सर आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन इतना होना था, ठीक है, इतना वजन आपका बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, फैट परसेंटेज मेल में 10 से 20 के भीतर होना चाहिए, लेकिन आपका फैट 8-10% एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसी प्रकार हमारे जो बाहरी फैट के साथ साथ हमारी किडनी लीवर का फैट होता है जिसको हम विजरल फैट बोलते हैं, वो नॉर्मल 5 से 9 के भीतर होना चाहिए, लेकिन अभी आपका सर 12 दिखा रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा हाई जोन में चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके पेट की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद स्कटल मसल से मांसपेशी की ताकत लगभग WHO के अनुसार 32 से 35 के बीच होना चाहिए, लेकिन अभी आपका 30 दिखा रहा है, तो आपका स्कटल मसल से भी थोड़ा सा कमज़ोर होते जा रहा है। आप बोल रहे हो मेरे को कि 26 साल हो रहा है, लेकिन उस अकॉर्डिंग आपका बॉडी का जो पैरामीटर है उस अकॉर्डिंग आपका बॉडी ये 36 साल की दिखा रहा है, लेकिन लगभग आप 10 साल 10 केजी वजन 10-11 केजी वजन बढ़ने के कारण आप 10 साल एक्स्ट्रा जीवन अपन जी रहे हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि 36 साल की एज में जो आपका बॉडी का पैरामीटर काम करना चाहिए वो 26 साल की एज में कर रहा है, बस आपकी गलत खान पान की वजह से। उसी प्रकार हम जो भी खाते हैं वो कैलोरी के रूप में सर हमारा मतलब शरीर में इकट्ठा होते जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार ये नॉर्मल 1200 कैलोरी स्टोर होनी चाहिए बॉडी में, लेकिन अभी आपका दिखा रहा है 1700-1750 समथिंग, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट में आता है सर BMI, जिसे कि हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब शरीर की एक बनावट होती है
जो नॉर्मली में स्वस्थ फिटनेस शरीर में की मात्रा है WHO के अनुसार 18 से 25, लेकिन अभी सर आपका 27 साढ़े 27 आसपास समथिंग आपका BMI है जो कि ओवर है, मतलब जिसकी वजह से आपके शरीर की सुंदरता बिगड़ गई है, आप मानते हैं इस चीज़ को? ऐसे करके मेरे को वो रिपोर्ट में एक्सप्लेन किए तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, अरे ऐसा भी होता है हमारे शरीर में। तो उसी दिन मेरे को उस चीज़ के बारे में बताया, दुनिया की नंबर वन खाना के बारे में मेरे को गूगल में सर्च करवाया, तो उस समय मेरे को एक ही चीज़ दिखा गूगल में, दुनिया का नंबर वन खाना लिखा, तो दुनिया का नंबर वन खाना लिखते साथ हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी तरह पैरामीटर खुल गया गूगल पे। तो मेरे को बिलीव हुआ उस चीज़ से कि हम दुनिया के नंबर वन घर का खाना को हम बोलते हैं कि घर का खाना शुद्ध होता है ये सब चीज़, लेकिन गूगल बाबा तो बोल रहा है कि हर्बल लैब न्यूट्रिशन है। तो मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि मैंने हर्बल लैब का प्रयोग करूँगा एक बार, ठीक है। तो मेरे को लगभग हर्बल लैब प्रोडक्ट शेक प्रोटीन एफ्रेस, ठीक है, ये सब चीज़ दिए। तो मैंने कंटिन्यू मेरे कोच के अनुसार, गाइड के अनुसार मैंने कंटिन्यू उसको लेना चालू किया। तो मेरा 10 दिन में ही, ठीक है, 10 दिन में ही लगभग 2.5 kg वेट लॉस हुआ। 2.5 kg वजन तो कम हुआ ही था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ जो था, जो मैं प्रतिदिन एसीलैक टेबलेट खाए बगैर नहीं रहता था, वो 10 दिन के भीतर मैं 2.5 kg वजन होने कम, डाइजेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी मेरी, मतलब उस 10 दिन में मैं टेबलेट ही नहीं खाना पड़ा, ऐसा टाइप का स्थिति था, इतना अपने आप को एनर्जी फील कर रहा था। ऐसे करते करते मैंने कंटिन्यूस प्रोडक्ट को 1.5 महीने उपयोग किया, लगभग मेरा 1.5 महीने में 9 kg वेट लॉस हुआ, और अभी तक मैंने 12 kg वेट लॉस किया हूँ, ठीक है, और 4 kg मसल से गेन किया हूँ, जो मांसपेशी की जो गेन होती है, ठीक है। तो अभी मेरा आदर्श वजन, मतलब मसल्स गेन के साथ मेरा लगभग वेट है 70 kg आसपास, ठीक है। मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज पूरी तरह ख़त्म हो गई है, जो भी वेट बढ़ा हुआ है मेरा मांसपेशी का है, कि जिसकी वजह से मैं एकदम से फिटनेस की ओर अभी हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने, जब मैंने वेट लॉस हुआ जैसे, ठीक है, मैंने फिर स्टेटस में डालना चालू कर दिया, ठीक है, कि मैं एकदम स्वस्थ हो गया, ऐसे वैसे मेरे को लोग पूछना चालू किए कि कैसे आप किए वेट लॉस ऐसे टाइप का, तो मैंने हर्बल लैब न्यूट्रिशन के बारे में बताना चालू किया। तो आज हम यही बात करेंगे कि हर्बल लैब न्यूट्रिशन क्या है। आपने मेरा स्टोरी के माध्यम से देखा ही कैसे टाइप का मेरे को रिजल्ट मिला, तो वाकई आपको भी बेहतरीन रिजल्ट इसके से रिलेटिव आपको मिलेगी, ठीक है। और देखिए, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है उसके पीछे में बहुत बड़े कारण होती है, ठीक है। तो आज से हम 42 साल पहले बैकग्राउंड में चलते हैं, तो 42 साल पहले की बात है, लगभग 1980, ठीक है, हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी की शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके पीछे हमारे मार्क ह्यूक सर, जो हमारे हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी के फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर हैं, उनकी मम्मी लगभग 36 साल की एज में थी, और मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बताया कि मेडिसिन वगैरह का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो उसी प्रकार वो फिल्म जगत में काम करती थी और अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए दुनिया भर का मेडिसिन का प्रयोग कर रही थी, जिसका ओवरडोज उनके शरीर पे हुआ और वो कम ही उम्र में उनकी मम्मी का एक्सपायर हो गया। लगभग मार्क ह्यूक सर 18 साल के थे। तो मार्क ह्यूक सर को सदमा भी लगा, और उस चीज़ को सदमा में ना लेते हुए ऐसे कुछ संकल्प लिए कि मैं कुछ दुनिया के लिए ऐसा कुछ करूँगा जो जिस तरह मेरी मम्मी के साथ ऐसा घटना घटा किसी के साथ ना हो, ठीक है। तो उसी समय से डॉक्टरों से मिले हो कि किस कारण मेरी मम्मी का वो हुआ, मतलब एक्सपायर हुआ, तो बढ़िया भली चंगी स्वस्थ थी, अचानक से कैसे ऐसे टाइप का हुआ, तो उनको ही पता चला कि मोटापा कम करने के लिए इधर उधर का मेडिसिन का प्रयोग कर रही थी, जिनका शरीर में ओवरडोज कारण उनकी कम हुई उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे करते करते डॉक्टरों से सलाह लिए, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, हमारी हर्बल लैब कंपनी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से रिलेटिव जुड़ा हुआ है, इनके गाइडलाइन से ही वो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। ऐसे करते करते लगभग 4 साल हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को बनाने में लगा, और बनते ही उस
प्रोडक्ट का किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोग ना करके, मार्क हुक्सर की दादी थी लगभग 85 ईयर की और वो बेड रेस्ट में थी, कुछ नहीं कर पाती थी, काफ़ी उम्र भी हो गया था और ज़्यादा वजन बढ़ने के कारण वो बेड रेस्ट में चली गई थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो मार्क हुक्सर ने यही सोचा, अगर ये प्रोडक्ट की निर्माण हो ही गया है तो क्यों ना हम अपने दादी पर इस चीज़ की एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो ऐसे करते करते उनके दादी को कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने प्रोडक्ट को खिलाया गया, दुनिया का नंबर वन जो खाना अभी गूगल बता रहा है उसी खाने को कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने मार्क हुक्सर ने अपने दादी को खिलाया, ठीक है। लगभग 8-8.5 केजी का अमेजिंग उनके पास रिजल्ट आया। तो मार्क हुक्सर को एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मेरे दादी पे, लगभग 85 ईयर की मेरी दादी जो हैं वो अगर बेड रेस्ट से उठ सकती हैं, लगभग उनका 8.5 केजी वेट लॉस हो सकता है बिना कमजोरी के, बिना कोई साइड इफेक्ट के, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करूं। ऐसे करते करते अपने मारुति के डिक्की से हमारे हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी के प्रोडक्ट का मतलब लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। तो इस चीज़ को देखो, हर एक व्यक्ति, मैं अगर कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं कितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 500 तक अकेले व्यक्ति पहुँच सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचने के लिए मार्क हुक्सर ने उस चीज़ का नेटवर्क का मार्केटिंग का सहारा लिया, मतलब अपने जैसे बहुत सारे पार्टनर ढूंढे ताकि वो कंपनी का जो प्रोडक्ट, जो हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचे, ठीक है। ऐसे करते करते लगभग 95 कंट्रीज में हमारी हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी अभी पहुंच चुकी है, ठीक है। 95 देश में हमारी हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी की प्रोडक्ट लोगों तक पहुँच गई है और उस प्रोडक्ट को खाकर अपने शरीर में इंसान खा रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, फिटनेस पा रहे हैं और वजन को बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे करते करते बॉडी मास इंडेक्स भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और लगभग 42 साल हमारी हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी को हो गया है। दुनिया भर में 60 लाख से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जो इस वर्क कर रहे हैं और लोगों को अच्छी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, और लगभग 17 करोड़ से भी ज़्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को लिख कर दिया है कि हम इस खाने को खाकर स्वस्थ हुए हैं, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऐसे करके 17 करोड़ प्लस लोग लिख कर दिए हैं, ठीक है। वातावरण के प्रति हमारी कंपनी जागरूक है, जैसे कि हम हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी का ये समथिंग आपको एफ्रेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक नहीं है, आप अगर मिट्टी में इसको दबा दे रहे हैं तो आपको 1 से 2 महीने के भीतर में ये डब्बा आपको नहीं मिलेगी, यानी एक ऐसा प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है वातावरण को नुकसान नहीं करता है। जैसे कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ना, कि अगर किसी कहीं पर मिट्टी में अगर प्लास्टिक दब गया तो वहाँ की उपजाऊपन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी के एक ऐसा प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है जो मिट्टी में गल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार लगभग 42 साल हो गई, ठीक है। अभी हमारे कंपनी की अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर जॉन वो अग्नुवनी है, ठीक है, अगुन भी है। हर्बल लैब न्यूट्रिशन NYC, ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, उसमें 2004 से लिस्टेड है, ठीक है। हमारी लेबोरेटरी है लॉस एंजल्स में, ठीक है, यहाँ पर हमारी लेबोरेटरी है और वैज्ञानिकों के नेतृत्व से है। आप कुछ, मैं वैज्ञानिकों के नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टरों के नाम बताना चाहूँगा, आप उस डॉक्टर के बारे में भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, डेविड हेबर के नाम से, लुई ग्रेडेन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और हमारे ऐसे करते करते मैं तो इंडियन हूँ, ठीक है, तो ये अमेरिका से शुरुआत हुई है कंपनी, ठीक है, और हम भारत देश में हैं अभी। तो भारत देश के बारे में, अगर हमारे भारत देश में हमारी प्रोडक्ट आई है तो किसी न किसी के मतलब माध्यम से ही आई है। और तो उस जब हमारी कंपनी भारत देश में आई, तब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि
हमारे भारत देश के ब्रांड एम्बेसडर बोला जाए या डॉक्टर बोला जाए तो अनूप मिश्रा सर जी हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा सर, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। ठीक है, और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। डॉक्टर जगत का सबसे बड़े अवार्ड होता है डॉक्टर वीसी राय अवार्ड। ठीक है, और दो प्रधानमंत्री के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं अगर कोई देश के प्रधानमंत्री के कोई डॉक्टर रह चुके हैं यानी वो डॉक्टर कैसे होंगे। ठीक है, तो आप डॉक्टर अनूप मिश्रा सर के बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल में। ठीक है, और हर एक देश में जब हमारी हर्बल न्यूट्रिशन कंपनी जाती है तो वहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर को बताया जाता है कि सर आप इस चीज़ को पता कीजिए कि आपके शरीर के लिए सही है, आपके मतलब देश के लोगों के लिए सही है कि नहीं, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते 95 देशों में रन कर रही है। अपोलो हॉस्पिटल ने भी मतलब सर्टिफाइड किए, ठीक है, रिसर्च की इसके ऊपर में 50 लोग नॉर्मल स्थिति में मतलब लोगों को नॉर्मल डाइट दिए और 50 लोगों को हर्बल लैब न्यूट्रिशन का डाइट दिए। तो इसमें भी वजन कम हुआ नॉर्मल डाइट में और हर्बल लैब न्यूट्रिशन प्रोडक्ट वाले को भी रिजल्ट मिला, और उनसे हर्बल लैब न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उनको बेहतरीन रिजल्ट मिला और उनके ऑर्गन्स पार्ट में एकदम से ज़बरदस्ती एनर्जी आई, ऐसा टाइप का मतलब उनके शरीर में एक्टिविटी था। ठीक है, और जो नॉर्मल डाइट कर रहे थे उनका वेट लॉस हुआ था लेकिन उनके शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उनको एकमुश्त खाना पीना को बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हर्बल लैब न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो भी व्यक्ति यूज कर रहे थे उनका वेट लॉस भी हुआ और उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हुआ। ठीक है, और हमारे भारत देश में लगभग 1999 में हमारी कंपनी हर्बल लैब न्यूट्रिशन कंपनी की स्थापना हुई। लगभग पूरे भारत देश में 17 केंद्र संचालित है और हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब एक ऐसी जगह है जहां पर हर्बल लैब न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट बनाने के लिए खेती की जाती है, और पौष्टिकता वाली चीज़ जो हमारे भारत देश में नहीं मिल पाती है वो दूसरे देशों से लाया जाता है। और हमारे भारत देश में 6 लाख से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और भारत में उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग मतलब भारत देश का पैसा कहीं नहीं जाता है, भारत देश तक ही रहता है। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि विदेशी कंपनी है तो विदेश पैसा चला जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत में ही उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग वर्दी मतलब भारत का पैसा भारत ही में रहता है, ऐसा टाइप का है हमारी कंपनी। हेड ऑफिस बेंगलोर है जहाँ पर अभी हमारी एक्स्ट्रावेंजा की इवेंट होने वाली है लगभग 22, 23, 24 जुलाई को। ठीक है, फिर उसके बाद IDSA का मेंबर है हमारी कंपनी। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मतलब मैं आपको सबसे पहले ही बताया था कि नेटवर्क का मार्केटिंग की सहारा लिए कंपनी, और उसका मुख्य कारण था कि लोगों बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिए। तो भारत के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है हमारी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, जहाँ पर भारत में जो भी नियम कानून रहते हैं उसको एक एक चीज़ को फॉलो करती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब विश्व में भी एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन है। ठीक है, उसको भी हमारी कंपनी मतलब रजिस्टर है, मतलब फॉलो करती है उस चीज़ को भी। और हमारी कंपनी गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी भी देती है। कैसा गारंटी, मतलब हम किसी को भी हम वेट लॉस करने के लिए वेट गेन करने के लिए प्रोडक्ट हमारी कंपनी देती है, ये कोचेस जो कोच रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लोग अगर उस चीज़ को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको 30 दिन के मनी बैक गारंटी देती है। अगर आप खा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रही तो आप खाली डब्बे आप कंपनी को वापस करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार एसोसिएट मतलब जो व्यक्ति काम करने की इच्छुक है उनको भी मतलब हमारी कंपनी गारंटी देती है, वन भी वन ईयर मतलब 365 दिन के लिए गारंटी देती है। मतलब कोई व्यक्ति 10,000, 20,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए के जितने का भी सामान मंगा के वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको 1 साल की मनी बैक गारंटी कंपनी देती है। अगर आप उस चीज़ को बिक्री नहीं कर पाते हो, बिजनेस नहीं कर पाते हो, तो आप पूरा सामान 1 साल के भीतर कंपनी को वापस करके जितना है पैसा आप कंपनी को दिए हो और सामान मंगाने के लिए आप पूरा पैक डब्बा मतलब सील पैक होना चाहिए डब्बा का। ठीक है, मतलब सील पैक कहने का मतलब ये है कि ऐसे डब्बा मतलब ये पैक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप डब्बा में पूरा वापस कर सकते हो और अपना पूरा पैसा वापस कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि दुनिया में ऐसा कोई ही मतलब बिजनेस नहीं है जो आपको इतना गारंटी दे, 1 साल, ठीक है, 365 दिन।
अरे अच्छे से अच्छे व्यक्ति अगर कुछ चीज को सीखना चाहे ना तो 21 दिन में सीख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर है। अगर आप सोच लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप नहीं सोचे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं करता था, मैं भी कुछ नॉलेज नहीं था, हर्बल एंड न्यूट्रिशन कंपनी बनने यूज किया, ठीक है, और रिजल्ट लिया और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ISO 9001 क्वालिटी एसोसिएशन, मतलब ये क्वालिटी को, ठीक है, ISO 9001 मतलब सर्टिफिकेट देती है कि ये प्रोडक्ट में जो, ठीक है, प्रोडक्ट के बाहर में जो भी इंग्रेडिएंट्स जो रहती है, ठीक है, ये सब चीज़ वैसी ही की वैसी ही लिखा रहता है। ठीक है, फूड रिसर्च ऑफ एनालिसिस सेंटर, इसी प्रकार फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर है। ठीक है, और हमारे मतलब एक चैनल भी है, ठीक है, हर्बल लाइफ ब्रॉडकास्टर नेटवर्क, ठीक है, के नाम से एक चैनल भी है, और दुनिया भर में बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, 200+ से प्रायोजित एथलीट है। आपको मैं कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के नाम बताना चाहूँगा। आप विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी का प्रोडक्ट डेली यूजेस करते हैं। लक्ष्य सेन जो डेली यूजेस करते हैं, मेरी कॉम, ठीक है, और हिना सिंधु, ठीक है, आप इनके बारे में भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइज बोला जाए तो आप रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, वो भी दुनिया भर में, दुनिया का, ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाइज बोला जाए, आप जानते ही हैं, फुटबॉल प्लेयर है, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, जो हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट को प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी मिड डे मील के रूप में काम करेगी। ठीक है, मतलब जो बच्चों को जो पौष्टिकता वाली खाना जो हम लोग देते हैं, ठीक है, महिला समूह द्वारा या रसोईया द्वारा जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है, तो मिड डे मील के लिए भी काम करेगी, लेटेस्ट न्यूज है। इसी प्रकार ऑस्कर अवार्ड जो है, ठीक है, और हमारी कंपनी दान पुण्य के लिए भी काम करती है। ठीक है, हर्बल लाइफ फैमिली फाउंडेशन के नाम से एक वो है, ठीक है, जहाँ पर 1,21,000 ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिसकी पालन पोषण के लिए हमारी कंपनी उनको पूरी तरह खर्च उठाती है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में एक चिल्ड्रंस विलेज इंडिया के नाम से एक संस्था है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ठीक है, उनकी पूरी तरह वो करते हैं देख रेख हर चीज़। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं आप कितना स्वस्थ होना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लगभग आप जानते ही होंगे कैसे टाइप का लोगों का सेहत बिगड़ रहा है, तो हम कुछ हेल्थ से रिलेटिव बात करेंगे। इंडियन हेल्थ सिनेरियो क्या बोल रहा है आप अच्छे से जानेंगे, मतलब सुन सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, एक एक तो चीज़ को आपके पास मोबाइल है, हर चीज़ ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, तो आप इस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। हर चौथा व्यक्ति या तो डायबिटीज़ की मरीज है या होने की स्थिति पे है, मतलब सोचो शुगर पेशेंट, ठीक है, मतलब या उसको शुगर हो गया है या होने वाली स्थिति में है, ऐसा टाइप की स्थिति है। 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हमारे भारत देश में ऐसे हैं जो मोटापे की ओर चले गए हैं। ठीक है, 3 से 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, हृदय रोग से पीड़ित है, और 8,000 से भी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन हार्ट अटैक के कारण मर जाते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है मालूम है? हार्ट अटैक हमारे मतलब शरीर में विजरल फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से ना हार्ट एक सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से इंसान को हार्ट अटैक की समस्या, मतलब वो पंपिंग है, ठीक है, ब्लड एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती है, अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चर्बी दे देते हैं, ठीक है, गलत खान पान की वजह से, तो हार्ट काम नहीं करता है। बच्चों में दिन प्रतिदिन मोटापा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जो बच्चों के लिए खतरनाक है। ठीक है, हम लोग दुनिया भर के हमारे हम माँ बाप ही हैं जो बच्चों को गलत खान पान में ले जाते हैं, मतलब गलत खान पान में ले जाने के कहने का मतलब ये है कि हम उनको दुकान का जो भी मिक्सचर है, बिस्किट है, जो अनहेल्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी है, ऐसे ऐसे खाने के लिए सलाह देते हैं और उसे जो खाना देते हैं, ताकि उनका कैलोरी बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, और बच्चे की वो कुपोषण की वो भी बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको शरीर में खाना ही नहीं लग रहा है। भारतीय अन्य देश के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा हृदय रोग से मरीज है, मतलब दुनिया भर में ऐसा अन्य देश जो हैं, ठीक है, लेकिन 3 से 4 गुना ज़्यादा व्यक्ति हृदय रोग से
मरीज है, लीवर पर डाल सकता है, असर डाल सकता है मोटापा। ठीक है, मोटापा बहुत बहुत बड़ा खतरनाक है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महामारी बोला जाए तो मोटापा है। ठीक है, अगर ये मोटापा के लिए काम हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में, मतलब हम दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते ही जाएंगे। आप डॉक्टर का सर्वे कर सकते हैं कैसे टाइप की स्थिति है, हॉस्पिटलों का बहुत बड़े, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कैसे लोग मरीजों में, कैसे भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, किस कारण बीमार पड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे गलत खान पान। और खान पान गलत कहने का मतलब मेरा यही है कि बहुत सारा मात्रा में हमारे खाने पीने में केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है, जहरीला चीज़ों की प्रयोग किया जा रहा है उसको पकाने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए। ठीक है, ऐसा टाइप का उपजाऊ बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे चीज कारण हैं जो आप डेली यूजेस में देखते होंगे, आसपास में देखते होंगे। अभी मौसमी है, ठीक है, अभी खेती होगा, खेत में कितना सारे केमिकल डाला जाएगा चावल धान को उगाने के लिए, और ठीक वही धान हम लोग चावल के रूप में बनाकर उसको खाएंगे। आप सोचो कैसा टाइप का हमारी स्थिति हो गई है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो हमारे उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। फल फ्रूट में इंजेक्शन डाल के उसको पकाया जा रहा है, ऐसा स्थिति आ गया है कुछ ही सालों में। मतलब जीवन शैली में कैसे बदलाव आया है, आप घर में आपकी टीबी, ठीक है, आज से मतलब 10 साल 20 साल 25 साल पहले कैसा टीबी होता था और आज कैसा टीबी है। मतलब आपको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यही देना चाहूँगा कि पहले टीबी का वर्क बहुत कम था, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता था तो दुबले पतला था, फिट था। ठीक है, मतलब पहले टीबी इस साइज का था, ठीक है, सटर वाला था, इतना बड़ा मोटा था, ऐसा टाइप का टीबी ऐसे ऐसे दिन था, बहुत कम वर्क करता था। ठीक है, इस चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तो टीबी बहुत कम चलता था और इंसान मेहनत करते थे, तो इंसान फिट था। ठीक है, और टीबी कम मेहनत करता था, चलता नहीं था ज़्यादा तो मोटे था। ठीक है, और आज कैसा हो गया है, जस्ट उल्टा हो गया है, इंसान कम मेहनत करता है, टीबी बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यानी सुबह से चला रहा हो, रात को 9-10 बजे जब तक हम सो ना जाए तब तक वो टीबी चलता ही चलता ही चलता ही, ऐसा स्थिति आ गई है। ठीक है, जिसके वजह से मतलब सोचो टीबी की हालत हो गई है तो इंसान कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अजमाइए, आसपास में देखिए। ठीक है, और न्यूज़पेपर कटिन में आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें देखिए हेल्थ से रिलेटिव कैसे कैसे जानकारी मिलती है हमारे, मतलब खाने में ये सब चीज़, प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, आयरन की कमी हो गई, ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं हमारे मतलब पौष्टिकता वाली चीज़ कमी होने के कारण ही हम दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा वर्क पूरी तरह स्मार्ट हो गया है, लेकिन बताओ खाना स्मार्ट हुआ है क्या। ठीक है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे और खाना अगर हमारा स्मार्ट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है हम अनहेल्दी होंगे। मैं देखो आपकी कुर्सी में बैठा हूँ, ठीक है, अपने ऑफिस से बैठा हूँ और आपको मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटिव। अगर मैं बताओ थाली भर का रोटी घी पराठा वाली चीज़ें मैं खाऊंगा, तेल वाली चीज़ खाऊंगा, तो मेरे शरीर की हालत क्या होगा। मैं जाहिर सी बात है कैलोरी मेरे शरीर में खर्च ही नहीं होगा, तो मैं जाहिर सी बात है मैं शरीर मेरा मोटा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप की स्थिति है। पहले कैसे करते थे, किसान हल चलाते थे, ठीक है, गैती फावड़ा का प्रयोग करते थे और मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे। ठीक है, पसीना बहाने से वो नॉर्मल खाना खाता था, घी वाली पराठे वाली ऐसे टाइप का अनहेल्दी भी खाना खाता था, तो पसीना के माध्यम से बह जाता था, कैलोरी खर्च हो जाता था, ऐसा टाइप की स्थिति था ना। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, 70% लोग जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, 70% लोग जब बीमार पड़ते हैं उसका मुख्य कारण होता है हमारा गलत खान पान। ठीक है, और गलत खान पान की वजह से हम 70% लोग जो दुनिया में हैं, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, 70% जानलेवा बीमारी, उदाहरण तौर पर आपको मैं बताऊंगा, कैंसर है, हृदय रोग है, ठीक है, डायबिटीज है, BP है, ठीक है, थायराइड है, ऐसा टाइप का समस्या हमारे गलत खान पान के ही वजह से होती है। ठीक है, 50% बीमारियां पौष्टिकता खाना और स्वस्थ जीवन शैली की वजह से खत्म हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में सब कुछ लोग समझे भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे, तो मैं आपको एक माध्यम से मतलब बताऊंगा कि हमारे शरीर मतलब खाने में न्यूट्रिशन की कमी होने की 3 मुख्य कारण है। ठीक है, न्यूट्रिशन मिस होता है पोषक तत्व, तो जो हमारे शरीर को नित्य प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, ग्रोइंग, ठीक है, फसल उगाने के तरीका में आपको उदाहरण तौर पर बताया, ठीक है, कैसे केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे फलों में इंजेक्शनों के माध्यम से, ठीक है, केमिकलों के माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है उस फल को उगाने में, फल को पकाने में। ठीक है,
खाने को बनाने में, ठीक है, ऐसे टाइप का, मतलब उपजाऊपन बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और केमिकलों से भर गया है हमारा जो भी हम खा रहे हैं वो चीज़, ठीक है। इसके कारण हमारे खाने से मतलब पौष्टिकता की कमी हो रही है, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण हम स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बेसमय कुछ भी चीज़ हमको मिलते ही जा रहा है, ठीक है। कुकिंग, हमारे खाने बनाने का तरीका भी बिगड़ गई है। पहले चूल्हे और लकड़ी कंडे से मतलब खाना बनता था, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, आज बनता है क्या? नहीं, ठीक है। इंडक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, गैस का मतलब प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का प्रयोग करने से हमारे मतलब हाई टेम्परेचर के कारण हम कुछ भी चीज़ खाना को पका रहे हैं ना, तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे आज भोजन का सत्य क्या है, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, मतलब केमिकल, ठीक, नमक, शुगर, तंबाकू, वसा, प्रदूषण, प्रिजर्वेटिव कलर, ठीक है, आ प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हमारे खाने में बढ़ गई है, ठीक है। डिफिशेंसी मतलब जरूरत क्या चीज़ है हमारे शरीर को, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिशंस, पानी, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, बोटानिकल कारक, ऐसे टाइप की चीज़ हमारे शरीर को चाहिए। क्या दे रहे हैं हम? अरे देते रहते तो हम बीमार ही नहीं पड़ते, हमको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है। हम दीवाने हैं पिज्जा, बर्गर, ठीक है, मोमोज, टिकिया, ठीक है, ये सब चीज़ जो अनहेल्दी मार्केट में, समोसा, बड़ा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध की चाय, ठीक है, शराब, ऐसे बहुत सारे अनहेल्दी खाने हैं जिसकी हम आदत है, हम दीवाने हैं उस चीज़ की, उसी चीज़ को खा खा कर हम ऐसे से ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता स्थिति है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाटा ने यह दावा किया है, ठीक है, दाल, ठीक है, मसूर की दाल में 10% प्रोटीन खत्म हो गई है, ठीक है। गेहूं में 9, गेहूं से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, उसमें 9% कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है। मूंग की दाल में हमको मिलती है आयरन, ठीक है, लगभग 6.12% आयरन उसमें से घट गई है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वहाँ बाजरा से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलती है लगभग 8, 8.5%, मतलब लगभग इसमें से भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है। टमाटर, टमाटर हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, उसको हमको हमको मिलती है विटामिन बी, ठीक है, आयरन, ठीक है, जिंक, ये मात्रा मिलती है, लेकिन सोचो उसमें से कितना कमी हो गई मालूम है? लगभग 66 से 73%। हम नाम के लिए टमाटर खाते हैं ना, उसको हमको ना आयरन मिल रही है, ना विटामिन बी मिल रही है, ना जिंक मिल रही है, ठीक है, ऐसा टाइप की स्थिति हो गया, सोचो आप। क्योंकि रात को तो हरा रहता है टमाटर, ठीक है, और सुबह क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। क्या डाला जाता है? इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन डाल डाल के हम उस चीज को हमको खिलाया जा रहा है, ठीक है, क्या करें, मजबूरी है इंसान, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, पूर्ति कहाँ से करेगा, गलत चीज का तो प्रयोग करेगा ही ना। तो हम इस चीज को थोड़ा सा हमारे खाने पीने में बदलाव करके हम ठीक कर सकते हैं। सेव खाते हैं हम लोग, ठीक है, 60% आयरन घट गया है हमारे सेव से। पहले से कुछ साल पहले की बात करें कि एक सेव खाओ और हमारे पास ना डॉक्टर बोलता था, लेकिन आज 10 सेव भी खाओ हमारे ही पास आओ, हमारे ही पास आओ, ऐसा टाइप का डॉक्टर के भी कारण कि हमको कुछ भी चीज़ खा रहे हैं ना, तो हमको पौष्टिकता नहीं मिल रही है, हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, ऐसा टाइप का स्थिति हो चुका है, ठीक है। एनर्जी मतलब लाइफ स्टाइल में कुछ साल में कैसे चलते, आए दिन इंसान स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, तनाव, टेंशन, आए दिन कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, किसी को पैसों का टेंशन है, किसी हेल्थ का टेंशन है, या कुछ भी चीज़ का टेंशन है, ठीक है। चाय, कॉफी का प्रयोग बढ़ गया है, ठीक है, शराब, एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई है, मतलब लोगों के दिन प्रतिदिन इसकी मात्राएं बढ़ रही है, मतलब पी रहे हैं इसको, ठीक है, खुशी में भी, दुखी में भी, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग की मात्रा बढ़ गई है दिन प्रतिदिन, लोगों के आसपास में आप देख ही रहे हैं कैसे मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। स्वीट्स, मिठाई, मिठाइयों का प्रयोग बढ़ गया है, कैसे टाइप का लोग मिठाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा टाइप का स्थिति हो गया है, ठीक है। स्टडी, स्टडी के अनुसार दावा किए हैं, ठीक है, पालक की हम लोग जो 1 कटोरी सब्जी खाते हैं ना, मतलब एक जोड़ी जो रहती है, ठीक है, मार्केट में बिकती है, 1953 में जो हमको 1 कटोरी पालक से हमको जो आयरन मिलती थी, आज दावा किया है, ठीक है, 43 कटोरी अगर हम पालक की सब्जी खा दें तो हमको वो आयरन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, ठीक है। मतलब आयुर्वेदा क्या बोल रहा है, हमारी मतलब खाने पीने, ठीक है,
खाना पीना ही हमारी दवाई होनी चाहिए, ना कि हमारी दवाई हमारा खाना, ठीक है। बहुत सारे दवाइयों का लोग प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का खाना पीना, ठीक है, कम होती रहती है। हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारी वजन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे सेंटीमीटर में आप आज ही उस चीज़ को कीजिए, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आज ही उस चीज़ को देखिए। 142 सेंटीमीटर किसी का हाइट है, लगभग उसका वजन, ठीक है, 142 मतलब 42 से 46 केजी के बीच में उसका वजन होना चाहिए। किसी का वजन मतलब हाइट 170 सेंटीमीटर है तो 64 से 70 के बीच में उसका वजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप कितना आपका वजन है, आप कितना अनहेल्दी है, अभी इस चीज़ के बारे में देखिए। और एक बार जरूर ट्राई कीजिए हर्बल एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, की दुनिया का अमेजिंग खाना है जो हमको बहुत कम कैलोरी देता है। हम जितना ज़्यादा कैलोरी खर्च मतलब खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर बढ़ेगा, और अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, तो पौष्टिकता कमी के कारण हो रहा है, और हाई कैलोरी के मतलब उपयोग करने की वजह से मतलब हमारा शरीर में मोटापा बढ़ रहा है। हमारी हर्बल एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की जो भी हमारा शेक प्रोटीन है, ठीक है, फार्मूला नंबर 1 है, प्रोटीन पाउडर है, अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो हमको बहुत कम कैलोरी में मिलती है। हम इसको सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, रात के डिनर में ले सकते हैं, या दोपहर के लंच में ले सकते हैं। दो टाइम आपको इस चीज़ को अगर ऐड करते हैं अपने लाइफ में तो आपका वजन भी कम होगा, फिटनेस की ओर भी जाएंगे, ठीक। वाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या करता है, वृद्धि एवं विकास, रोगों को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, पौष्टिकता एवं घटक को पूर्ति करता है, अपनी नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता है। मतलब आप क्या, मैं वो आपको बोला, मेरा जब वजन किया गया, मैं बोला 26 साल मेरा एज है, लेकिन मेरा बॉडी का जो पैरामीटर जो दिखाया BMI मशीन, ठीक है, 36 साल, मतलब 36 साल की एज का मैं लग रहा था, सोचो, ठीक है। तो हम जवां बनाए रखता है न्यूट्रिशन, अगर हम शरीर को दे रहे हैं, ठीक है, तनाव पुष्टि जीवन शैली खाने की आदत में सुधार लाता है, रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। आप कोरोना काल अभी आया था 2 साल पहले, तो आप देखे होंगे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, ऐसा टाइप का मैसेज आया था डॉक्टरों के माध्यम से, ठीक है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम की कमी के कारण ही लोग मतलब उस बीमारी को लड़ नहीं पाए और आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की एक सीमित मात्रा मतलब हमारे शरीर को, तो जिस प्रकार एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको, गाड़ी, ठीक है, 1 लाख की हमारी जो गाड़ी रहते हैं, हम पेट्रोल की जगह ना तो उसमें पानी डाल देंगे या मिट्टी तेल डालेंगे, और मोबाइल की जगह ना हम कुछ अन्य चीज़ डालेंगे, प्रॉपर तरीके से अच्छे मोबिल डलवाते हैं और अच्छा से अच्छा पेट्रोल डलाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की रहती है सर, ठीक है, सर एंड मैम, हमारे शरीर भी एक बहुत बड़ी कीमती है और कई करोड़ों की ये संपत्ति है हमारे शरीर को, तो हम शरीर में क्यों गलत चीज़ डालें, ठीक है। तो ऐसे नए नए टिप्स जानकारी के लिए मैं आपको मोटा मोटा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज दिया, तो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि आपको ये नए नए टिप्स के बारे में आपको नया नया जानकारी मिलती रहे। मैं तो अपना नाम बता ही नहीं, मेरा नाम ओम प्रकाश वैष्णव है, इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस कोच के रूप में हर्बल एंड न्यूट्रिशन कंपनी में काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छी सेहत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और आप भी चाहे तो स्वस्थ हो सकते हैं, हमसे आप जुड़ सकते हैं, हम बताएंगे आप कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, हम एक कोच हैं, कोच के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, अगर आप उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 110% मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर फ्री लाइफ रहेंगे, मेडिसिन फ्री लाइफ रहेंगे। अगर आप ऐसे जीवन चाहते हैं, ऐसे स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है, हमारे मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज जो भी जानकारी मिला वो कैसा रहा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग।